हमारा राजनीति में आना तभी सफल होगा जब देश में किसी भी कोने में जाओगे और चुनाव शिक्षा के नाम पे होंगे, स्वास्थ्य के नाम पे होंगे, नौकरी के नाम पे होंगे, महंगाई से लड़ने के नाम पे होंगे, स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए होंगे, तो हमारा राजनीति में आना सफल हो गया। एक सरकारी स्कूल में एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के रिश्तेदार की पार्किंग के लिए स्कूल की बिल्डिंग गिरा रहे हो, इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ कुछ नहीं हो सकती है। नंबर वन देश होता, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, हर किस्म का मौसम हमें दिया है, पहाड़ हैं हमारे पास, जड़ी बूटियां हैं हमारे पास, कोयला हमारे पास है, तेल है, समुंदर है, मारुथल है, क्या कमी है? एक कमी है, सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो ये देश बहुत आगे जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के डिबेट में हम बात करेंगे नीतीश कुमार, केजरीवाल और पीएम नरेंद्र मोदी की। जी हां, इस वक्त देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, रैली हो रही हैं, वहां की जनता को पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है समझाने की इस बार केजरीवाल की चुनौती क्या कर दिखाएगी, केजरीवाल को मौका मिले। आपको बता दें कि केजरीवाल पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि हम जो है चाहे वो अलग अलग राज्य हो, जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने जगह बनाई, जिस तरह से पंजाब में जगह बनाई, तो अब उनका जो टारगेट है वो है हिमाचल प्रदेश को लेकर। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से केजरीवाल की रैली हो रही है, जिस तरह से भगवत मान सिंह और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां पर अपने भाषण दे रहे हैं कि किस तरह से वो जो मुफ्त बिजली है वो प्रोवाइड कराएंगे, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे युवाओं को, कई करोड़ युवाओं को कितने लाखों की नौकरियां जो है वो देंगे, क्या वो ये वादे पूरे कर पाएंगे, ये बात तो जनता अच्छे से जानती है। लेकिन इस बीच सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि कहीं केजरीवाल का ये जिस तरह का पारा वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के बाद अब केजरीवाल ऐसे जो है मंत्री साबित हो सकते हैं जो यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को भी पिछाड़ दे, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है नेहा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चर्चा से, जिस तरह से आपने देखा कि कल किस तरह से अरविंद केजरीवाल हो या जो मुख्यमंत्री है पंजाब के भगवत मान सिंह वो हो या मनीष सिसोदिया हो डिप्टी सीएम, ये पंजाब माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छे से जो है रैली कर रहे थे, जनता को बताने की कोशिश कर रहे थे आखिर किस तरह की शिक्षा या युवाओं के लिए नौकरी जो है वो वहां पर प्रोवाइड करेंगे, तो उन्हें एक बार मौका जरूर मिले। इस मौके के बाद जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने यहाँ एक मना सा चखा दिया बीजेपी को, क्या यहाँ केजरीवाल हिमाचल प्रदेश की तरफ से कुछ बीजेपी को अच्छा तोहफा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल की बारी आ सकती है? आपको क्या लगता है कि कितनी अच्छी पकड़ हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल बना सकते हैं? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी साक्षी कि केजरीवाल धीरे धीरे करकर अपनी पकड़ हर राज्य में बना रहे हैं। पहले देखिए, दिल्ली में किसी को नहीं पता था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी को एरा गैरा पार्टी कहा जाता था और ये शब्द बीजेपी द्वारा यूज किए गए थे एक वक्त में। लेकिन उसके बाद फिर पंजाब में किसी को नहीं पता था कि सत्ता बदल जाएगी, पंजाब में कांग्रेस को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके बाद अब देखा जा रहा है कि गुजरात में जिस तरीके से केजरीवाल की एंट्री हो रही है, तो समझ में आने लगा है कि यहाँ बीजेपी कभी सूपड़ा साफ हो सकता है। अगर उसके बाद इस साल के अंत में गुजरात हिमाचल का चुनाव है, तो देखिए हिमाचल में भी जाहिर सी बात है कि केजरीवाल की एंट्री होना संभव है, क्योंकि उत्तराखंड में भी केजरीवाल ने अपना पूरा प्रदर्शन कर दिखाया था, लेकिन वहां पर कुछ ही सीटों पे जीत पाई थी आम आदमी पार्टी। लेकिन इतना जाहिर सी बात है, इतना वादे के साथ कह सकती हूँ कि अगली बार विधानसभा चुनाव में अगर उत्तराखंड में पूरा दमखम आम आदमी पार्टी लगाएगी तो शायद जीत जाएगी। वही सेम हिसाब यहाँ हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल की जनता चाहती है कि उनको आम आदमी पार्टी चाहिए, क्योंकि देखिए जो फैसिलिटीज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर दे रखी है, मुझे लगता है तमाम राज्यों की जनता यही चाहती है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम मुद्दों पर यहाँ फैसिलिटीज चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य को लेकर, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। हालांकि आज का जो ट्रेंडिंग मुद्दा है वो भी मैं बता देती हूँ कि बीजेपी ने यहाँ पर सरकारी बस जो में महिलाओं के लिए टिकट फ्री कराया गया है, उस पर लेकर भी अब सवाल उठा दिए हैं कि कोई बस खरीदी नहीं गई है, यहाँ पर भी धांधली बाजी बता दी है। तो देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी
आती है तो यहाँ बीजेपी और तमाम पार्टी को बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ केजरीवाल, सीएम केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने अगर दो राज्यों में उनकी सरकार चल रही है तो काफी अच्छे से उन्होंने वहां पर सरकार जो है जनता संभाली हुई है, बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मौका देख रहे हैं, लेकिन जनता मौका देगी या नहीं देगी वो तो जनता पर निर्भर करता है। विपक्ष इस पर अपनी क्या राय रखता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे जहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो सीएम भगवत मान है और मनीष सिसोदिया है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या चीज हिमाचल प्रदेश में वो अब प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए ये वीडियो। हम कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम आपको कोई जुमले सुनाने नहीं आए, हम आपको झूठे लारे या झूठे सपने दिखाने नहीं आए, हम आपके साथ कुछ बातें करने आए हैं। और बातें भी कोई बेगानी नहीं है, बातें भी वही हैं जो आप अपने घर में चूल्हे के पास बैठकर करते हो, जो बस अड्डे के पास बैठकर करते हो, जो चाय की दुकान पर खड़े होकर करते हो, जो समोसे की रेडी के पास खड़े होकर करते हो कि यार देश का क्या बनेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या भविष्य है मेरे परिवार का, ये बातें करने आया। रोजगार सबसे बड़ी बीमारी हमारे देश में, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, वो विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, किसी भी तरीके से जाना पड़े वो जा रहे हैं, उनका कसूर नहीं है इसमें। उनको अगर यहीं पे डिग्री के मुताबिक काम मिले तो नहीं जाएंगे। बेगाने मुल्क, बेगानी धरती, बेगानी बोली, बेगाना मौसम, वहां जाके सेट होना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल बात। और माता पिता, बहन भाई, भुआ फुफा, वो सब यहीं पे हैं, शरीर चले जाते हैं, उनका मन नहीं जाता। कभी भी मौका मिलता है, दिवाली, दशहरा, कभी भी कोई त्योहार आता है तो वापस आते हैं 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हैं अब तक जिनको हमने शासन दिया, हमने उनके पक्ष में बहुत बार वोट किया लेकिन उन्होंने हमारे पक्ष में कभी वोट नहीं दिया, उन्होंने हमारे पक्ष में कभी कानून नहीं बनाया, उन्होंने हमारे स्कूलों का पैसा खाया, उन्होंने गलियां नालियां उनका पैसा खाया, उन्होंने सड़कों का पैसा खाया, पढ़ाई का पैसा खाया। तो हमारा ये हाल है दोस्तों, अगर वही पैसा स्कूलों में लगा होता जैसे दिल्ली में लग रहा है, अगर वही पैसा बिजली पर लगा होता, वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा होता तो ये देश नंबर वन देश होता। कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, हर किस्म का मौसम हमें दिया है, पहाड़ हैं हमारे पास, जड़ी बूटियां हैं हमारे पास, कोयला हमारे पास है, तेल है, समुंदर है, मारुथल है, क्या कमी है? एक कमी है, सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है, अगर वो मिल जाएं तो ये देश बहुत आगे जाएगा। सबसे तेजी से काम करने वाली सरकार के मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, जिन्होंने केवल 5 महीने में सिर्फ वो काम नहीं किए जिनकी इन्होंने और केजरीवाल जी ने मिलकर पंजाब को गारंटी दी थी, सिर्फ उनपे काम करना शुरू नहीं किया बल्कि 50 ऐसे काम बड़े बड़े कर दिए जिनका गारंटी में जिक्र नहीं था, वो काम भी तेजी से कर करके पूरे कर दिए।
हमारे हिमाचल प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष भाई सुजीत ठाकुर जी, जिनकी अगुवाई में यहाँ लगातार आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है। मैं पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ऑलमोस्ट हर हफ्ते हिमाचल में आ रहा हूं, और मैं जिस शहर में भी जाता हूं वहां देखता हूं कि कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हॉल छोटे पड़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे युवा साथियों ने पार्टी ज्वाइन की, बहुत सारे और युवा साथी मेरे साथ बोले कि जी हमने पार्टी तो ज्वाइन कर ली थी, बस आपके साथ फोटो खिंचाना है। मुझे लग रहा है 100 के करीब लोगों ने मेरे कान में आके ये बात कही, ये लफ्ज कहे कि जी शिक्षा पे आपका काम बड़ा शानदार है, केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं। आज कई सारे प्रधान, पूर्व प्रधान, वार्ड अध्यक्ष, अलग अलग के वार्ड के काउंसलर, चुने हुए काउंसलर, बहुत सारे युवा साथी आज पार्टी में जुड़े, और सब मुझे बार बार यही कह रहे थे जी शिक्षा ठीक करनी है, हिमाचल की शिक्षा ठीक करनी है, हिमाचल के स्कूल ठीक करने हैं। मैं सोच रहा था ये सीबीआई और ईडी वाले तो बेकार में दिल्ली में मेरा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, असली इन्वेस्टमेंट तो मेरा यहां है। ये लोग मेरे दादा लाए गांव गए, पैतृक गांव, वहां पे जाके पूछ रहे थे सीबीआई वाले, मनीष सिसोदिया ने अपने नाम से नहीं तो कहीं तो प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, किसी और के नाम से किया होगा, वहां भी नहीं मिला। पागल है वो लोग वहां ढूंढ रहे थे, यहां आ जाते इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है, आके ये आधा घंटा उस ज्वाइनिंग को देख लेते, उनको समझ में आ जाता कि ये अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान की पार्टी के लोग हैं, ये जमीनों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये जमीन में बीज बोते हैं क्रांति के। बहुत खुशी हुई आप सब साथियों से मिलके, खासतौर से जिन साथियों ने अभी अभी ज्वाइन किया। वाकई 8 साल पहले जब पार्टी बनाई थी तो इसी उद्देश्य से बनाई थी और इसी सपने के साथ बनाई थी, और 2015 में जब सरकार में पहली बार काम करना शुरू किया था तो कम से कम सैकड़ों बार मैंने शुरुआत में ये कहा कि हमारा राजनीति में आना तभी सफल होगा जब देश में किसी भी कोने में जाओगे और चुनाव शिक्षा के नाम पे होंगे, स्वास्थ्य के नाम पे होंगे, नौकरी के नाम पे होंगे, महंगाई से लड़ने के नाम पे होंगे, स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए होंगे, तो हमारा राजनीति में आना सफल हो गया। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज जब मैं हिमाचल में आया तो हमारे हम लोग स्कूल की राजनीति की बात करके तो इतने सारे लोग जुड़े ही जुड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ कमरे में मुझसे मिलने आए भाई रजनीश जी, एडवोकेट रजनीश जी बैठे हैं कहीं, हैं क्या जो स्कूल की लड़ाई, अच्छा इधर है, यहां खड़े हैं एडवोकेट रजनीश भाई। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की सौदेबाजी कर रही है, इसका सबूत है भाई रजनीश जी की लड़ाई। आज लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्कूलों की क्या जरूरत है, बच्चों को अनपढ़ रखो, जिन लोगों को पढ़ाना होगा वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, बाकी लोगों को सरकारी स्कूल में मामूली सी एजुकेशन दो और आगे बढ़ाओ, मामूली एजुकेशन दो और आगे बढ़ाओ, किसी चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी की डिग्री लेके हाथ में लगे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं लानत भेजता हूं इस मंच से आज हिमाचल पार्टी, हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को, कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप मंडी में एक सरकारी स्कूल में एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के रिश्तेदार की पार्किंग के लिए स्कूल की बिल्डिंग गिरा रहे हो। इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ कुछ नहीं हो सकती है।